हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु जैसे कि द्वारक, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु और फोकस दूरी के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि दर्पण क्या है, दर्पण के कितने प्रकार हैं, समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि द्वारक किसे कहते हैं, द्वारक क्या है। द्वारक को समझने से पहले हम यहाँ पर गोलीय दर्पण बनाएंगे। अगर आप मेरे पहले वाले वीडियो को देखे होंगे तो आप ये बता सकते हैं कि गोलीय दर्पण का कौन सा भाग है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से क्लियर की हूँ गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रकार को। ये जो दर्पण है इसको बोलते हैं हम अवतल दर्पण। और ये जो दर्पण है इसको बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। ठीक है, क्लियर है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको भी मान सकते हैं ए बी। ये जरूरी नहीं है कि मैं ए बी मान रही हूं तो आप भी ए ही बी मानेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू मान सकते हैं, एम एन मान सकते हैं, जेड पी कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं द्वारक किसे कहते हैं। द्वारक को मैं एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। द्वारक मतलब समझ लीजिए दरवाजा, मतलब आप हर रोज जिस दरवाजे से अंदर बाहर जाते हैं उस दरवाजे की चौड़ाई जितनी ही ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा व्यक्ति एक बार में अंदर बाहर जा सकेंगे, और जितनी ही ज़्यादा उसकी चौड़ाई कम होगी उतनी ही कम व्यक्ति एक बार में अंदर बाहर जा सकेंगे। बिल्कुल उसी तरह ये परावर्तक सतह होता है, इसको बोलते हैं हम परावर्तक सतह। ठीक है, ये जो परावर्तक सतह की लंबाई जितनी ही ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा प्रकाश की किरणें टकराएंगी और वापस लौटेंगी। मतलब परावर्तक सतह की लंबाई को ही हम द्वारक बोलते हैं। परावर्तक सतह की जितनी ज्यादा लंबाई रहेगी उतनी ही ज्यादा प्रकाश की का परावर्तन होगा, और जितनी ही ज्यादा लंबाई कम होगी उतनी ही कम प्रकाश का परावर्तन होगा। ये देखिए, अगर इतनी कम हो गई, इतना छोटा हो गया द्वारक, तो इसमें प्रकाश का परावर्तन कम होगा, कम प्रकाश का परावर्तन होगा, और इसका द्वारक अगर बढ़ गया तो इसमें प्रकाश का परावर्तन ज़्यादा होगा। तो परावर्तक सतह की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। अगर आप द्वारक का परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोल दे रही हूँ कि परावर्तक सतह, ये जो ए और बी है, परावर्तक सतह की लंबाई को, इस ए और बी की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। आप लिख सकते हैं कि परावर्तक सतह ए बी की लंबाई को द्वारक कहते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा लंबा द्वारक रहेगा उतना ही ज्यादा प्रकाश का परावर्तन होगा, जितना ज्यादा लंबा द्वारक रहेगा उतना ही ज्यादा प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, क्लियर है। और जितना कम द्वारक रहेगा उतना ही कम प्रकाश का परावर्तन होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ध्रुव किसे कहते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि ये जो परावर्तक सतह है इसका बीच का बिंदु बताइए आप। मैं पूछ रही हूँ कि ए और बी, इस दर्पण के बीच का बिंदु, सेंटर बताइए, केंद्र बताइए। तो आप क्या बताएंगे कि ए और बी, बी के बीच का जो बिंदु है वो ये है, ए और बी के बीच का बिंदु है वो ये है। तो इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। सिंपल है, इसी बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं। और इसको किससे सूचित करते हैं, पी से। पी से इसलिए सूचित करते हैं कि क्योंकि ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल, और पोल पी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए पी से ध्रुव को सूचित करते हैं। तो अगर आप ध्रुव का डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोल दे रही हूं कि ध्रुव, देखिए परावर्तक सतह के मध्य बिंदु केंद्र को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, यहां तक। अब हम समझते हैं कि वक्रता केंद्र क्या है। अब ध्यान दीजिए, ये जो दर्पण है, ये अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण कोई भी मान लीजिए, अगर मैं
ऐसा इसको देखकर लग रहा है कि ये गोले से काट लिया गया है तब बनाया गया है। अगर मैं उस गोले को पूरा करूं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर मैं इसको भी पूरा गोला पूरा करूं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र, और इस गोले का केंद्र कहाँ है, सेंटर कहाँ है, बीच का बिंदु ये है। तो ये दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, उसके सेंटर को, उसके बीच के बिंदु को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। और इसको सी से डिनोट किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसीलिए उसका फर्स्ट लेटर क्या रहा है, सी, तो इसीलिए सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, अगर आप वक्रता केंद्र का डिफिनेशन लिखना चाहें तो मैं बोल दे रही हूँ कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो लिखिए कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से सूचित करते हैं। ठीक है, अगला है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ये जो गोलीय दर्पण है ये जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब ये त्रिज्या क्या है, देखिए मैं समझाती हूँ। एक गोला मान लीजिए, ये गोला है और ये हो गया इसका केंद्र, इसको इस बीच के बिंदु को हम क्या बोलते हैं, केंद्र। जब केंद्र को परिधि से मिलाते हैं इसको बोलते हैं हम परिधि, जो गोला होता है इसको हम बोलते हैं परिधि। जब केंद्र को परिधि से मिलाते हैं जिस लाइन से, उस लाइन को हम बोलते हैं त्रिज्या। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह अब यहाँ पर आ जाइए, ये दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, केंद्र से परिधि को मिलाइए, उसकी त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। और इसको कैपिटल आर से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, कैपिटल आर से सूचित करते हैं। क्यों? क्योंकि वक्रता त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसीलिए उसका फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, आर, तो इसीलिए इसको आर से सूचित करते हैं। तो अगर आप वक्रता त्रिज्या का परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और उसको कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, अगला है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। देखिए ये जो केंद्र है, यहाँ पर समझा दे रही हूँ, ये जो केंद्र है और ये जो ध्रुव है पी, इसको मिलाने वाली सीधी रेखा, इस तरह इसको मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको आप मुख्य अक्ष बोल सकते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो अगर आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, अगला है फोकस बिंदु। इसको मैं मिटा दे रही हूं। अब मान लीजिए फोकस बिंदु को समझना है, तो मान लीजिए कोई किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब मुख्य अक्ष के आमने सामने ये किरण आ रही है और आकर इस परावर्तक सतह पर टकरा गई। अब ये टकराई है परावर्तक सतह पर, तो इसके पहले वाले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर टकराती है तो उस पर प्रकाश का परावर्तन का नियम लगता है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी नियम लगेगा, इस पर हम लंब डालेंगे। जब हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब कोई, मान लीजिए प्लेन मिरर है, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह पर टकराती है तो उस पर लंब खींचा जाता है। लंब मतलब 90 डिग्री का लाइन, तो हम यहाँ पर लाइन 90 डिग्री का लाइन खींच देते हैं, और फिर हम उसको 90 डिग्री का लाइन खींच देते हैं जिसको बोलते हैं हम अभिलंब। और जितना ये एंगल पर आती है उतना ही एंगल पर वापस लौट जाती है, मतलब ये लंब हम इसलिए खींचते हैं
ताकि हम आपतन कोण और परावर्तन कोण माप सकें। मतलब ये जो आपतन कोण है इसको बोलते हैं एंगल आई और इसको बोलते हैं एंगल आर। ये आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। तो जितने कोण पर प्रकाश किरण आती है, जितने आपतन कोण पर प्रकाश किरण आती है उतना ही कोण पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का लाइन खींच दिए, ये हो गया अभिलंब। अब यहाँ पर अगर 90 डिग्री का लाइन खींचना है, अगर लंब खींचना है, तो आप किस तरह खींचेंगे? देखिए, अगर कहीं भी इस गोले पर अगर 90 डिग्री का आपको लंब खींचना है, तो आप सेंटर से परिधि को मिला दीजिए, कहीं भी मिला दीजिए, वो 90 डिग्री का लाइन होता है। इस तरह मिलाइए, 90 डिग्री का लाइन होता है। तो इस केंद्र से आप इस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर इस तरह मिला देंगे, तो ये हो जाएगा अभिलंब। अब ये मान लीजिए एंगल आई से आई है, तो ये आपतन कोण एंगल आई से आई है, तो टकरा कर एंगल वार आर पर वापस जाएगी, मतलब टकरा कर इस तरह वापस चली गई। और परावर्तन का नियम ये है कि जितना ज्यादा कोण पर अगर आपतित किरण आपतित हो रही है, उतना ही ज्यादा कोण पर परावर्तित किरण परावर्तित भी होगी। ठीक है, तो ये जो आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, ये आपस में बराबर होंगे। और ये जो टकरा कर वापस लौट गई किरण, यहाँ पर जिस बिंदु पर ये लौट गई, इस बिंदु को, इस वक्रता त्रिज्या के जिस बिंदु पर ये टकराई, उस बिंदु को हम बोलेंगे फोकस बिंदु, और जिसको एफ से, कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। या फिर मैं यहाँ पर, थोड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ पर मैं समझा देती हूँ। ये लीजिए, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आई किरण, और इस पर अगर हम लंब बनाएं तो केंद्र से मिला दीजिए, ये हो जाएगा लंब। और अगर आई है तो टकरा कर वापस जाएगी, तो जितना एंगल पर आई है उतना एंगल पर वापस लौटेगी, लौट गई, इस तरह आई और लौट गई। तो अगर ये देखकर ऐसा लग रहा है, मान लीजिए एक और आई किरण इधर से, और इस तरह आई, इस पर हम भी हम लंब खींच दिए और इस तरह लौट गई। ठीक है, तो ये दोनों किरण को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कभी मिल पाएंगी, ये इधर चली गई, वो किरण उधर चली गई, तो ऐसा लग रहा है कभी मिल पाएंगी। अगर इसको जबरदस्ती मिलाया जाए इस तरह पीछे की तरफ, तो ये जिस बिंदु पर मिलेंगी उस बिंदु को बोलते हैं हम फोकस बिंदु। तो देखिए, अवतल दर्पण में वास्तव में किरणें मिलती हैं, प्रकाश के परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है। ये हो गया प्रकाश किरण आई, और ये देखिए टकराई और इस बिंदु पर मिल गई। तो ये जब अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती हैं और परावर्तित होकर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस बिंदु। और उत्तल दर्पण में वास्तव में नहीं मिलती, हम उसको जबरदस्ती मिलाते हैं, जैसे कि ये टकराई और वापस लौट गई, ऐसा लग रहा है कि ये कभी मिल पाएंगी, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ऐसा ये कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हम इसको पीछे खींचकर जबरदस्ती मिलाएं, तो ये फोकस बिंदु से आती हुई लगेंगी। अगर यहाँ से देखा जाए तो लगेगा कि यहाँ से आ रही है, तो इस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस बिंदु। तो इसको कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, और फोकस बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं फोकस पॉइंट, जिसको आप फोकल पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। तो अगर आप फोकस बिंदु का डिफिनेशन लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तो परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल दर्पण में तो वास्तव में मिलेंगी, उत्तल दर्पण में वास्तव में नहीं मिलेंगी, उनको हम मिलाते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस बिंदु, जिसको कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी, ये फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। और ये देखिए, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। यहाँ पे भी वही होगा कि फोकस दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो अगर आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहें, तो फोकस दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। मतलब यहाँ पर क्या है? फोकस बिंदु, और यहाँ पर ध्रुव है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। यहाँ पर भी वही, फोकस दूरी। तो
द्वारक, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु एवं फोकस दूरी, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लिख दी हूँ मैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। द्वारक उसको कहते हैं जिसमें, द्वारक उसको कहते हैं, परावर्तक सतह की लंबाई को हम द्वारक कहते हैं, ठीक है। द्वारक किसे कहते हैं? परावर्तक सतह की लंबाई को हम द्वारक कहते हैं, यहाँ पर मैं घींची थी। दूसरा है ध्रुव, इस परावर्तक सतह के मध्य बिंदु सेंटर को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। अगला है वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। और उसके बाद से बात आती है वक्रता त्रिज्या की, तो वह गोलीय दर्पण और वो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। अगला आता है मुख्य अक्ष, केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। फोकस बिंदु, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। ये क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई? आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए, आने वाली वीडियो में बहुत सारे टॉपिक है जो अभी बचे हुए हैं। तो फिर आने वाली वीडियो में हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।